नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पाटन HNGU यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन आई हुई थी। उसकी डेट जो है वो मतलब कि थोड़ी सी ज़्यादा उसको डिले कर दी गई है। ओके, तो चले देखते हैं कौन सी डेट आई है और किस तरीके से आपको कहां पर कौन सी साइट पर जाकर फॉर्म को फिल करना है। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले लाइक शेयर ज़रूर किया करना। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कहां पर ये मतलब कि जो टाइम है वो थोड़ा सा लंबाया गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको HNGU की जो वेबसाइट है वहीं पर जाना है। तो मैं यहाँ पर NGU लिख रही हूँ। ओके, तो आप देख पा रहे हैं NGU लिखने पर ही HNGU हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको दिख रही है। ओके, उसी पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे सबसे पहली है, और उसकी वेबसाइट का अगर आपको चाहिए तो www.ngu.ac.in उसका नाम है। ओके, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे आप मेन पेज पर आ गए। ओके, थोड़ा सा वेट करिए इसको मतलब कि कंप्लीट होने में। ओके, अब देखो हम आ गए थे उसके ऑफिशियल पेज पर, और वहीं पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि PhD 2022 ओके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 अप्रैल तक। ओके, तो मतलब कि आज को आपकी हुई है 28 अप्रैल हुई है, तो 30 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो जिन बच्चों को पता नहीं था या फिर जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया था, बीच में थोड़ा सा इश्यू भी आया था कि वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो रही थी। ओके, उस वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों के लिए एक अभी भी एक चांस है। ओके, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। अब मैं आपको ले चलती हूँ कहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, इस वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिल नहीं करना है PhD के लिए, उन लोगों की अलग सी वेबसाइट है। और कौन सी वेबसाइट है मैं आपको ले चलती हूँ। ओके, जस्ट वेट। ओके, अब हम यहाँ से बैक चलते हैं और मैं यहाँ पर आपको ले चलती हूँ। आपको लिखना है PhD HNGU। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने PhD HNGU लिखा हुआ है, तो उसके पहले आपको वेबसाइट देखने को मिल रही है। ओके, तो उस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको दो तरह की वेबसाइट दिख रही है। ओके, पहले वाली नहीं, दूसरे वाली जो है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम पहले PhD वाली की मतलब कि चलते हैं। ओके ओके, तो ये हम आ गए उसकी जो PhD की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर आ गए। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट फेस लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर। ओके, मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PhD प्रोग्राम, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो 2.4 नंबर वाला देखो लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी यहाँ पर आपकी पेज खुल चुका है, और यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको नो स्टेप के अंदर क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। ओके, वो फॉर्म कैसे फिल करना होता है उसके बारे में मैंने डिटेल्स में पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसको देख लेना। वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे किस स्टेप में क्या दिया हुआ है, कौन सी डिटेल्स भरनी है, वो सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पर बताई। ओके, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए थी जिनको पता था कि मतलब कि फॉर्म फिल करना है और कुछ इश्यू टेक्निकल इश्यू था यूनिवर्सिटी की ओर से। ओके, वेबसाइट में, तो उसी वजह से कुछ बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन थी। और जिन लोगों ने अभी पता ही नहीं था, ओके, मतलब कि जो लोग अभी भी सोए हुए थे और अभी जागे हैं, तो उनके लिए मतलब कि जब जागो तब सवेरा ऐसा मान के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो चले दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी थी। तो चले, वीडियो को लाइक करते जाना है। ओके, बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।